जबे राजा नल छोड़ के चले सूती को आधी साड़ी काट के पीछे से दमयंती को जाग आगी। हर वह जंगल में अपने पति को तलाश करती हुई चलती, जब तलाश करती करती जंगल में घूमने लगी तो सबसे पहले भील मिल जाते। भीला ने सवाल करया के का तू घड़ा तेरी शान हो घड़ी तू कितना आई है और जंगल के मा फिरा ब्रह्म की तू किसी लोग आई है। बताते हैं अपने तब से भील को नष्ट कर दिया। आगे बढ़ी तो कुछ संत महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा है बेटी तू कौन है। महात्मा ने भी यही सवाल किया दमयंती से के कात उघाड़ा जंगल में किस डाल एक ली खड़ी बता और भेद खोलना चाहिए बेटी कौन मुसीबत पड़ी बता। सारी कहानी बताती है। फिर महाराज ने रास्ता बता दिया बेटी यो रास्ता है तोड़ चली जा। अरे जंगल में तने मुश्किल हो जाएगा जात वीर की जात है तेरी। रास्ता बताया के कै लक्ष्मी चंद जंगल के मां कै लक्ष्मी चंद जंगल के मां इज्जत का डर हो जा और जड़े मानस रहन लायक जा वो अपना एक घर हो जा। और बेटी चाल तने किसी नगरी में छोड़ दी उड़े टुकड़े का शर हो जा और जब कोई ओछी मंदी कह दे थोड़ा मानस की मर हो जा। तेरे पेट भरने की मिटे जरूरत दूंगा इसी जड़ी बता और भेद खोलना चाहिए बेटी कौन मुसीबत पड़ी बता। महात्मा की बात मान के वो दमयंती रास्ता पकड़ देती है और आगे जाके देखा वो एक चौराया मिल गया जो राजा नल ने बताया था। राजा नल ने कहा था कि लक्ष्मी चंद सुन रहे रानी कित के तेरी निगाह से पर्वत तले तो उतरे पक्ष है वो कौशलपुर का रास है एक रास्ता चंदेरी है एक कुंदनपुर नजाज है। ओड़ा के मन में विचार करती कड़े जा बताते हैं चंदेरी के रास्ता पकड़ देती है और चंदेरी में अपनी मौसी ना तो मौसी ने वह जाने करती ना दमयंती मौसी ने देखी अपना गुजारा करने लग जाती है। जैसे चंद्रहास में है ना वह दहा को बुला लेती है रानी कि अपने पास रहा कर लाडो मत जा घर बिराने वहां नौकर लग जाती है। खुद अपनी मौसी का पता नहीं था। यहाँ दादा ने एक रचना लिखी है वो कैसे रहती है क्या बताओ और क्या बताओ। या उलटी गंगा पहाड़ चढ़े उलटा चाला पानी ओढ़ता सी बने उल्टी गंगा पार चढ़े उल्टाए चल्या पानी और दासी बनकर रहने लगी खुद दमयंती रानी। पुराने समय को याद करती है जंगल के मां झाड़ पोछड़े कद फिर देखे थे जलंगनवारी अपने सिर पे कद धरते देखे थे सो मति के पानी के मन कद भरते देखे थे दासी आले काम भला मन कद करते देखे थे
होरे उलटी गंगा पार चले उल्टा चले पानी दूसरे कली में हे भगवान ऐसा कौन सा पाप मेरे तो हो गया जो यो दिन देखना पड़ा। इस जिंदगी में काट लिए जो पूरम में बोए थे महारानी थी बोझ पराणी हर के जन्ना धोए थे इतने तेरे दुख के जखड़े बिल्कुल ना झोए थे झूठे बर्तन कट्ठे करके मन कदम मांजे धोए थे झूठे बर्तन कट्ठे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ है उलटा चल जा पानी कसी पड़ के रहन लागे की खुद तभी हम रानी और उलटी गंगा पहाड़ चढ़ है उलटा चल जा ये मेरे दादाजी पण देव के नंद जी दाणी शोर पे समान सुना बार बार धन्यवाद। मेरे दादाजी हरि प्रकाश जी शोर पे आशीर्वाद देते बार बार धन्यवाद। मेरे अंकल जी राजेंद्र जी रावल थे 51 पे समान समान के बार बार धन्यवाद। वो सो सो पलंगी नेवारी थी आज सोमुसु धरती में प्राणपति की प्यारी सु इस कारण दुख भरती में सारे तन ना चैन पड़े पण दासी फिरती में मानस ने भई कष्ट पड़े को समो आने सरती में मानस ने भई कष्ट पड़े को और ये जो भी कुछ कह दे मन उठना पड़े ओ फिर भी सबकी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं YouTube चैनल रिकॉर्डिंग ऑनलाइन जो देशों विदेशों में कहीं भी सुनी जा सकती है Star 9X म्यूजिक कंपनी
मेरे भाई मंजीत खुदाना 91 रुपए से मान सम्मान करते हैं, और दूसरी कंपनी जो इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रही है बहुत अच्छे समाज से भी मेरे भाई नरेश कौशिक मढाणा एनके स्टूडियो, जो पहले भी काफी शांत की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं एनके स्टूडियो भिवानी, वो भी भाई 91 रुपए से मान सम्मान करते हैं। दोनों भाइयों का बार बार धन्यवाद। और आखिरी कली में क्या कहती है, महारानी मन महारानी मन कहा करे थे आज पोर बखरगी मेरी राजपाट धन माल लुटाते करती टूपा हेरी सिंगनी सुती छोड़ गई वो कड़े चक्कर क्या कहेरी इतनी कहते दमयंती ने वो कई कई आंसू गेरी वो इतनी कहते दमयंती ने वो कई कई आंसू गेरी के लक्ष्मी चंद बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मान सम्मान किया, उनका बार बार धन्यवाद। अब आपके बीच में हमारे गुरु जी वेद प्रकाश।